क्या चक्कर हो गया भाई वो क्यों रुका? एक्सीलेटर नहीं दे भाई, सिर्फ क्लच चला भाई, एक्सीलेटर नहीं दो, एक्सीलेटर नहीं दो, क्लच पे दबाओ। मेरे को आके लोगों ने कमेंट में लिखना भाई आप उसके साथ पहले थे, आज जानू के साथ हो, आज आमिर के साथ हो, भाई उनको जाके भी बोलो ना भाई कि जैसे मैं उनके साथ होता था। भाई ये देख, ये क्या चल रहा है? ओ आराम से भाई, हेलमेट पूरा गिर गया। ऐसे नहीं कर भाई, भाई ऐसे नहीं कर, सच बोल रहा हूं मैं, ये समझाओ ना गाइज। आज इस व्लॉग की शुरुआत फिर से संडे से करते हैं। आज ना सुबह मॉर्निंग में संडे राइड रखी थी, सब लोग भाई गए होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन गया, बट मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जैसे कि आपको मेरी आंखों से भी दिख रहा होगा और मेरे गले में भी दर्द थी, उसकी वजह से थोड़ा फीवर था भाई। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में ये बोलते हैं कि भाई आप पहले आमिर के साथ थे, अब आप जानू के साथ व्लॉग बनाते हो। देखो यार, ये जो सारे लोग आप कमेंट करते हो ना, मैं सच बात बोल रहा हूँ, इन दी एंड ना मतलब धोखा तुम सब लोगों के साथ होता है। देखो सारे यूट्यूबर्स ना आपस में अच्छे से बॉन्डिंग उनकी अच्छी होती है, यूट्यूब पे आके वो एक दूसरे को पोक करें या कुछ भी बोलें, वो एक यूट्यूब की लाइफ है उनकी। यार देखो, जो मेरी ऑडियंस है ना वो तो मुझे ही देखेगी यार, आप जितने मदने जेन्युइन मुझे देखते हो भाई आप मुझे देखो। आपको क्या है कि भाई मैं किसी के साथ व्लॉग बना रहा हूँ या किसी के साथ जा रहा हूँ या किसी ने मेरे को इनवाइट करा कॉल करके, तो कमेंट्स में इतने बुरे बुरे वर्ड्स यूज़ करने हैं कि भाई आप दोगले हो या आप पहले उसके साथ है अब उसके साथ है। भाई उसकी ऑडियंस आमिर की अपनी है, जानू की अपनी है, मेरी तुम सब लोग अगर हो या सपोर्ट करते हो तो आप सपोर्ट करो, दैट्स इट भाई। कमेंट्स में ये सब चीज़ें बोलने की क्या जरूरत है भाई कि भाई आप जो है ये करते हो, आप पहले उसके साथ थे। पता मेन मसला क्या है, अभी जो मेरा चैनल जितना भी है ना, छोटा हूँ या बड़ा हूँ भाई, मेरे को आके लोगों ने कमेंट में लिखना भाई आप उसके साथ पहले थे, आज जानू के साथ हो, आज आमिर के साथ हो, भाई उनको जाके भी बोलो ना भाई कि जैसे मैं उनके साथ होता था। अब उनको भी कमेंट में कोई बोलता है कि भाई आप वाइल्ड वुल्फ के साथ व्लॉग नहीं बनाते, के साथ क्यों नहीं आता, यही होती है कि भाई उसकी फैन फॉलोइंग अलग है, जानू की अलग है, मेरी अगर है, तुम सब लोग मेरे को सपोर्ट करते हो जो वुल्फ फैमिली, आपको पता है कि मेरे को भी ठीक नहीं लगता ये बातें सारी सुननी। कॉज आपको पता है यार, मैंने अपनी लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना अपने दम पे किया यार, मैंने मेहनत करी, आप सब लोग मैंने जनता कमाई, जितना आप सपोर्ट करते हो जितने हो काफी एफिशिएंट हो, ठीक है, मेरे को और जरूरत नहीं है भाई किसी के साथ, ठीक है। और मोटिवेट करना चाहिए कहाँ भाई, तुम सब लोग मेरे को कमेंट में ये बोलो कि भाई आपकी व्लॉग्स में क्या कमी आ रही है, भाई यूट्यूब पे आके सपोर्ट करो कि भाई ये कमी है, अगर इस तरह का व्लॉग बना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि भाई किसी के बारे में बोलना वो आमिर के साथ था, वो जानू के साथ था, ये चीज़ें नहीं बोलनी है और ना ही मेरे को अच्छी लगती हैं। बाकी यार आप सब लोगों के साथ मैंने हमेशा प्यार किया और हमदर्दी की, कोई भी मतलब मैंने कभी नहीं ऐसा हेट किया किसी को भी, चाहे कोई भी हो सब्सक्राइबर, कहीं भी मिला मैं रुक के आता हूँ। अभी मेरे घर पर देख रहे तुम, पीछे देखो कितने सारे बच्चे आते हैं ऐसे नॉर्मल में, तो हाय बोलो पहले सबको। तो भाई आते रहते हैं, खेलते हैं, ऐसे मैं कभी मना नहीं करता किसी को कि मेरे घर नहीं आओ या ऐसे करके, बिकॉज मेरी नेचर ऐसी नहीं है। मैंने घर वालों ने भी मेरे को डाउन टू अर्थ पहले से रखा, मैं गाँव से आके मैं सिटी में आया हूँ तो बहुत दिखाऊं शोशा, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट दिलवाया नहीं अभी है, 50 क्या बोले थे मैंने भाई कंप्लीट कराने के लिए इंस्टाग्राम पे, फिर बोला था एग्जॉस्ट डलवाने के लिए, तो आईडी भाई यूट्यूब की यहाँ पे शो हो रही भाई, जाके जो मेरे साथ दिल से प्यार करता है भाई जाके सपोर्ट करो और 50 के कंप्लीट कराओ इंस्टा पे, और फिर इस जगह भाई एग्जॉस्ट लगेगा खतरनाक सा, जो भी भाई SC प्रोजेक्ट का मेरा मन कर रहा है लगाने का, साथ में एरो के हेडर्स लगाऊंगा। ये कोड स्टार्ट हो रही है, हम अपना GoPro जो है माउंट कर रहे हैं इस पे, हम करते हैं हेल्प। नहीं नहीं आप पकड़ो बस कैमरा दिखाओ आप। तो गाइस मैंने भैया का हेलमेट पहना है, उतर जाएगी शायद से, गाइस मैंने भैया का हेलमेट पहना, आप देख सकते हैं उनके, तो आप देख सकते हैं उनकी बाइक लग जाती नीचे, देख सकते हैं इसकी लुक कितनी सही है, सेक्सी लगती है, इसके अंदर गर्मी लगती है हेलमेट के अंदर, आई समझ। तो सोचो हम पूरा दिन लगा के रखते हैं, करो करो छोड़ो थोड़ा करना है, ठीक है बस अब नहीं करना है, बस बस। तो यार मेरे को ना इसकी पहले चेन ल्यूब करनी है, आज मैं सोच रहा था इसकी सर्विस भी कराऊं, क्योंकि आप देख पा रहे हो 969 किलोमीटर हमने बाइक राइड कर ली हुई है, तो भाई 1000 रुपये सर्विस होती है, मैं सोच रहा था थोड़ा पहले ही इंटरवल में करवा दूं, तो चलो कोई बात नहीं अब कल करवा लेंगे, आज संडे था। तो गियर शिफ्टिंग मेरे को प्रॉपर वाली आ गई है, मैं सिखाता हूं भाई कैसे इसका सुपर बाइक का गियर आपने प्रॉपर शिफ्ट करना है, चलो मैं अभी आगे दिखाता हूं। मैंने एक्सलेट किया ना, ये छोड़ दिया, ये देखो भाई कैसे गियर शिफ्ट होता है, ओके ये देखो ऐसे ऐसे गियर शिफ्ट, मतलब जब क्लच दबाना और गियर शिफ्ट करना आपने और वहां से एक्सीलेटर को छोड़ देना, ये देखो जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, तो फिर ना बाइक में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कहा सुपर बाइक है, इसमें थोड़ा सा एक्सीलेटर भी देके रखोगे वहां से क्लच दबा के गियर दोगे ये ठक ठक करेगी, ठीक है। RS जो है ना 200 cc की बाइक है, उसमें आप अगर ऐसे करके थोड़ा एक्सीलेटर दो भी दोगे तो कोई बात नहीं, उसका ना गियर टक टक नहीं करेगा, ये हैवी सीसी की बाइक है तो इसमें बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं बजना चाहिए जब आप क्लच दबाओगे। और यहाँ पे ना भाई तुम्हारा बड़ी शान से रुकता है आजकल, पता क्यों, कॉल मेरे बाइक में एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है, तो भाई पुलिस वाले वगैरह अपने भाई को ना कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है भाई, ठीक हो। वाइल्ड वुल्फ, हाँ वुल्फ वुल्फ वाइल्ड वुल्फ वुल्फ, क्या नाम बताया आपने, वाइल्ड वुल्फ जंगली भेड़िया,
मैं लिख दूं YouTube पे अपना नाम जंगली भेड़िया, क्या बोलते हो? वो समझ आ जाएगा लोगों को। खींचेंगे नहीं जब तक नहीं पेट्रोल रिफिल करवाएंगे। अब यहाँ से चलते भाई पिट स्टॉप में, तो वहाँ पे अभी एक्सपीरियंस। बाप रे वहां से बोल रहा हूँ भाई खींचनी नहीं है यार, वहां से मन करता है एक्सीलेटर भाई। जब तक नहीं हमारा ये करने को मन नहीं करेगा ना भाई को, तब तक मजा नहीं आता। मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें यार। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, पर से आज मौसम क्या सुहाना है भाई। भाई तुम्हारे ने फिर से टी शर्ट पहन दी, बहुत गलती कर दी भाई। शाम को यहाँ पे इतनी गंदी सर्दी होती है ना, कसम से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बाहर निकलने का मन ही नहीं करता सर्दी में। तो चलो कोई बात नहीं, सक्षम अगर अपनी जैकेट वगैरह लेके आया है उसकी बोलेंगे तुम मेरे को दे दे। हमने देख पा रहे तुम ब्रेजर जा रही है भाई फुल पावर। तो पता है मेरे को एक चीज का बड़ा दुख हो रहा है यार, कि हमारा सिदरा जो हाईवे था ना भाई जिसपे हम बाइक भगाया करते थे, ये ना पूरा फोर वे में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई आज जो छोटा सा ट्रैक होता था हमारे लिए भाई, हम एक छोटा मिनी ट्रैक जम्मू का, वहाँ पे हम बाइक भगाया करते थे, तो वो भी भाई पूरा खत्म कर रहे थे। जेसीबी वगैरह लगी है ना, तो फोर वे बनेगा तो फिर ये ऐसा रोड नहीं रहेगा भाई। बड़े बड़े मोटर व्लॉगर भाई सिदरा के रोड से ही उठे भाई। तो मतलब इस सिदरा की रोड की ना बहुत ज्यादा यादें जुड़ी है यार हमारे साथ, ठीक है। पिट स्टॉप पे तू कहाँ है? मैं पिट स्टॉप में बैठा हूँ भाई, तू किधर है? कौन सी पिट स्टॉप पे बैठा है भाई तू? अरे वो बोल रहे हैं ही कोई भी बार स्टॉप हूँ पागल, कर क्या रहा है तू? फेस टाइम कर, तू सच में वहाँ पे पहुँच गया भाई? ऐसी बात है क्या? झूठ बोलता है वो, तू सच में घर पे है? देख बहुत झूठा है तू, सक्षम तेरी कसम बहुत झूठा है कसम से यार। अंदर कहाँ हो साले? उधर पिट स्टॉप में तू है ही, तू घर पे बैठे हो साले अपने? है झूठ बोलता है सिर्फ। देख यार मैं पिट स्टॉप के बाहर है, देखो कितना खराब है। देखा गाइस, जब तक ये झूठा इंसान आता ना भाई लोग, तब तक हम अपनी बाइक को वॉश करेंगे, ठीक है। इसने मेरे को बोला कि मैं पिट स्टॉप पे पहले ही पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब मजाक कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, हम चलते वॉश करवाते हाई स्पीड कार वॉश। यहाँ पे लोग जहाँ आपको इज्जत करते ना भाई, आप वहीं जाया करो। ये वाला जो कार वॉश है ना भाई, इतनी ज्यादा इज्जत करते ना, मेरी कसम से मैं तभी यहाँ पे हमेशा यहीं आता हूँ। हाँ क्या बात है भैया के साथ, जब भी मैं आता हूँ ना मैं बोलता हूँ भाई जहाँ इज्जत होती है ना वहाँ जाया करो। एक्स लाते यहाँ पे खुद से वॉश करनी, खुद से फुहारा चलाना, लगाओगे? खैर मुबारक आपको भी। नाराज नाराज क्यों हो यार? नाराज हूं यार, आपने दे दी यार वो वाली बाइक, कितनी प्यारी बाइक थी यार। नहीं यार प्यारी ये भी है ना, इसको दे। वो तो मेरे दिल में बसी थी। दिल में बसी थी वो। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा वॉश भी करवाना, मैं हफ्ते में बस एक बार इसको वॉश करवाता हूँ बाइक को, इससे ज्यादा नहीं। जो पार्ट है ना रेडिएटर होता है अंदर वाली साइड, यहाँ पे अगर प्रेशर से पानी चले गया अंदर तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे से इसको पकड़ के रखे ताकि ना अंदर वाले रिम जो है ना ग्रीन हो जाए। क्लच चला भाई, एक्सीलेटर नहीं दो, एक्सीलेटर नहीं दो, क्लच पे दबाओ। पहले बोलो इस झूठ की क्या सजा दी जाए, मुझे ये चीज बताओ पहले। ये जो घर पे थे आप, मेरे को बोला पिट स्टॉप में बैठा हुआ हूँ, मुझे पहले दिखाओ आपने शेव कैसे की ना। अरे काटी के ऊपर कल मैंने तेरे को घुमाया था, आज तूने ले लिया, ठीक है। अब बराबर हो गए ना, अब नेक्स्ट टाइम से टाइम पे। गाइस ये चेक करो पीछे हमारी बाइक वॉश होके आई है, ये देखो भाई कितना ज्यादा शाइन मार रहा है, कलर है ना पूरा ग्रीन हो गया, अलॉय बैक वाला भी। मेरी बात सुन, पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, क्यों किया फिर शेव, क्यों किया, क्या चक्कर हो गया? यार बियर्ड में बंदा बड़ा सेक्सी लगता है, देखो हम लड़कों को तो शौक होता है कि बियर्ड अच्छी सी रखने का, कट शट। क्या चक्कर हो गया भाई? भाई वो क्यों रुका? क्या हाल है, ठीक हो? क्या बात है, ठीक हो आप? बढ़िया। देखो भाई क्या हमने नहीं लिया आज। खैर मुबारक आपको भी, सलामत रहो। नहीं लेते यार, क्या बात है। ओए सक्षम, हमसे ज्यादा तो यहाँ भैया की फैन फॉलोइंग है, ये क्या चक्कर है? ये चेक करो, हमने ना टोस्ट बनाया है वेज वाली मैगी का, सक्षम तो खाता नहीं वेजिटेबल ज्यादा, तो मेरे को नहीं भाई। ब्रोकली है इसमें, एक ही डाली हुई है। कॉर्न है इसमें, पनीर है। तो मेरे वाले में क्या स्पेशल है जो बोल रहे थे एक्स्ट्रा डाली? बस शिमला मिर्च डाली। तूने तो कोई बात नहीं, क्रिएटिन करके जिम करनी है भाई। क्रिएटिन तो तेरी बॉडी के लिए अच्छा है ना, तू नॉनवेज खाता? मैं नहीं खाता हूं भाई। ठीक हो भाई? सारे व्लॉग देखता हूं। थैंक यू भाई। कहां जा रहे थे अभी? बस अभी पिट स्टॉप आए, फिर चलते हैं यार। क्या करना है? फॉर्च्यूनर पे जाएंगे आज, मेरे को घर ड्रॉप कर दे। डैशबोर्ड नहीं खोलना भैया। क्यों, उसमें क्या ऐसा भैया? उसमें क्या ऐसा? डैशबोर्ड क्यों नहीं खोलना? ऐसा कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं। खोल के दिखा दो भी डैशबोर्ड, खोल के दिखा दो। हां इसमें दिखा दो डैशबोर्ड भाई। फॉर्च्यूनर वैसे भी बोलते गुंडो वाली गाड़ी होती है। एक ही बड़ी से निकली, कितनी बड़ी ऐसे नहीं निकलती यार, पागल हो गया है। इसी तो सक्षम बोल रहा है ना, मैं तेरे को गाड़ी में घर ड्रॉप कर दूंगा। ये चल देख, तो अब मेरी मैं गाड़ी में घर, क्या था मेरी शक्ल? फॉर्च्यूनर की ज्यादा अच्छी शक्ल है मेरे से। तो गाइस ये चेक करो, ये व्हाइट वाली फॉर्च्यूनर है। बोल दो भैया पक्का? देख लो मैं खोलने हाथ रख दिया, ये तो ये भी कर दिया। हां तो खोलना, खोलना क्या है? खोल दे, खोल लेना। भाई सच में? भैया सच, वो चेक करो भाई,
ये देख ये क्या चक्कर है ओ आराम से भाई हेलमेट पूरा गिर गया यार तेरे को मैंने बोला था गंदी चलानी है सक्षम दे रहे थे यार ये देख ये मारुति ओए पता क्या चक्कर है आपके आगे एयर बैग्स भी होंगे तो मेरे तो एयर बैग्स भी नहीं है पीछे हमारे में इधर एयर बैग है ये चक्कर है ये देखो भैया गाड़ी वो भैया क्या चक्कर है भैया अभी आहिस्ता चल रहे हैं आप भैया पता क्या चक्कर आगे से कोई आ जाएगा ना अचानक से सीन हो जाएगा पता है और पीछे फेस चल रहा ना कि क्या बताऊं यार वो देखो आगे भी एक फॉर्च्यूनर चल रही है मेरे सामने हां फॉर्च्यूनर ही है ओहो टक्कर हो जाएगी भाई ये कहां से चल गया था बंदा मेरे एयर बैग है ये देखो ऐसे नहीं कर भाई ऐसे नहीं कर सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें भैया समझाओ ना इसको ये क्या कर रहा है इस इंसिडेंट से मुझे याद आता है भाई 10th क्लास में जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था सिद्रा के लिए ऑरेंज बार के लिए हम आए थे हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही थी और भैया सीन ऐसा हुआ ना आगे जेसीबी आ रही थी एक ठीक है तो जेसीबी आगे इसी लाइन में आई थी और लेफ्ट से ट्रक पास कर रहा था तो जगह उसको निकलने के लिए थी नहीं कट मारने के लिए उसने सीधा उसके पीछे मार दी जेसीबी की वो फिर हमें ना डैशबोर्ड के साथ आगे बजा था चलाने में है तो मजा आता है बंद करना होता ना तब मजा आता है इसको बंद करना तब बंदा सोचता क्यों चला रहा था मैं तेज वही बात है ऐसे ही है ना डरे नहीं डरे नहीं मैंने डरा अभी तो मेरा हाथ पकड़ लिया था आप डर गए थे पकड़ के पट्टे में कोई मेरे एक ब्लॉग में डालेगा भैया ने गाली दी कहता भैया मेरे को अभी ना गाड़ी चलानी आती नहीं पूरी कम से कम उस टाइम अगर तू तेज चला रहा है कम से कम देख के चलानी पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल और फिर तू व्लॉग भी देख रहा है अभी व्लॉग भी बना रहा था व्लॉग बंद कर या तो व्लॉग बंद कर और बिल्कुल सामने देख फिर गाने भी ना सुन और सीधी चला फिर सही है सही बात है सो गाइस निकलता हूँ मैं यहाँ से भाई तूने जैकेट नहीं ना दी मेरे को कोई बात अंदर से क्यों लूँ मैं भाई किसी की चीज नहीं लेता तू मेरा दोस्त है इसलिए मैंने तेरे को बोला तू देगा जैकेट बस नहीं ले ले ऐसे भी तूने नहीं लेनी होगी ना तो ले ले भाई क्यों बीमार होगा तुम ओस आई हुई देख रहा है ये देखो तो सारे बोलते यार कमेंट करके मिरर्स अच्छे नहीं लगते यार ठीक है यार आपका कहना मानता हूँ मैं जो बोलते हो आप खोल दे इनको मानती नहीं ऑडियंस यार गुस्सा करते हैं बोलते हैं मिरर गाइस आज फाइनली मेरे को क्लिप दे देना गाइस आज फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया मैंने इसके तेरा सपना पूरा हो गया क्या मैंने इसके मिरर्स खोले थे गाइस खोल दिए इसके फाइनली मैंने ये देखो ये सारे मिरर को घुमा कैसे रहा है उधर ही चोरेगा तो 7,000 का एक मिरर होगा 7,000 का एक मिरर किसने बोला मुझे पता है इतना मुझे पता है 3,000 के आरएस के मिलते हैं मिरर 1,500 के इसके मिलने लगे तो गाइस बाइक की लुक चेक करो यार बस मुझे प्यार हुआ मिरर्स जो ना हमने पिट स्टॉप वाले भैया के पास रख दिए यहां पे ठीक है कल लेके आएंगे हम ओके गाड़ी का पता कैसे करे यार गाड़ी में डरता हूँ मैं यार भाई गाड़ी का कटिंग ना मतलब अपने तक नहीं है भाई चलो अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए जल्दी से जल्दी और कल ना मेरे को कावासाकी की शोरूम के लिए जाना है और इस सुनसान से जंगल से ना भाई तुम्हारे को यहाँ से बिल्कुल अकेले जाना पड़ेगा कॉज यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे साथ है और ये चेक करो तुम भाई ऊपर ना छत पे कौन बैठा हुआ है आज कह लो आपको अंदर किसी ने नहीं लिया आज हेलो आप छत पे कैसे बैठ गए हो देख रहे हो गाड़ी की छत पे बैठी हुई है तो भाई इसको आज किसी ने उठाया नहीं यहाँ से तो इसको हम लेके चलेंगे ऊपर आ जा चल तो बाइक भी उतरी है मेरी यार चल 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 अंदर जाएंगे हम अंदर सीढ़ियों से चलो ऊपर यहाँ पे देखो रेल लगी हुई है देख रहे हो कैसे कैसी आवाज़ निकाल दी सुना मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना है राइड सेफ राइड हार्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आई लव यू ऑल बाय तुम्हें अपना बनाए नहीं मुश्किल है वफा जरा